वायनाड की तबाही के बाद हिमाचल और उत्तराखंड के लिए कैसी चेतावनी हुई जारी। वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद जिस तरह की तबाही मची है उसने सभी को हैरानी में डाल दिया है। वायनाड में हुई तबाही के बाद जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं उससे तो साफ हो गया है कि इस तबाही ने न सिर्फ लोगों की जान ली है बल्कि इस तबाही ने हजारों घरों को भी तबाह कर दिया है। मिट्टी के मलबे में दबे घर और वाहन इस बात को बताने के लिए काफी हैं कि जिस वक्त भूस्खलन हुआ होगा तो हालात कितने बदतर हो गए होंगे। हालांकि अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां की विनाशकारी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, लेकिन वायनाड में जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जिस तरह से जिंदगियों को बचाने की जंग जारी है उससे तो साफ हो गया है कि तस्वीरों को जिस तरह से दिखाया जा रहा है हालात उससे भी ज्यादा भयानक है। हैरानी की बात तो है कि मौसम विभाग की चेतावनी को केरल सरकार ने नजरअंदाज कर दिया और इतनी बड़ी घटना घट गई। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में चूरलमाला, वेल्लारीमाला, मुंडकाइल और पोथुकालू शामिल है। इन इलाकों के स्थानीय लोग जो किसी तरह बच निकले वो तबाही की तस्वीरों को देखकर भावुक हो गए। लेकिन अगर प्रशासन ने केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 2020 में की गई सिफारिशों को मान लिया होता तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। राज्य के राजस्व विभाग को पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान में रहने वाले 4,000 परिवारों को तुरंत खाली करने का निर्देश देने के लिए स्पष्ट चेतावनी दी गई थी क्योंकि पूरा क्षेत्र लैंडस्लाइड जोन है, लेकिन इस तरह की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया जिसका परिणाम आज सबके सामने है। यहां आपको एक बात यह भी बता दें, वायनाड की घटना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए एक बड़ा अल्टीमेटम है। अगर वायनाड से सबक नहीं लिया गया तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कोई बड़ी आपदा आ सकती है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी पिछले कुछ दशकों में अंधाधुंध निर्माण कार्य हो रहे हैं। इस साल जून जुलाई के महीने में ऋषिकेश में पाव रखने की जगह नहीं थी। शिमला में सभी होटल बुक थे। मसूरी में इतनी भीड़ पहुंच गई थी कि होटल रूम के दाम डबल हो गए थे। इन सभी पहाड़ी इलाकों में तेजी से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं जिससे लगातार इन पहाड़ों पर भार बढ़ रहा है। इसलिए वायनाड की घटना को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए अल्टीमेटम की तरह देखना होगा। और अगर समय रहते हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम नहीं उठाया तो यहाँ भी हालात काफी बिगड़ सकते हैं और भारी नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में दोनों ही प्रदेशों की सरकारों को बड़ा कदम और कोई बड़ा फैसला लेने की जरूरत है क्योंकि वायनाड में जिस तरह की चेतावनी दी गई थी हालात उससे भी बदतर हो गए और अगर समय रहते चेतावनी को मान लिया गया होता तो हालात ऐसे नहीं होते। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।